बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मस्जिद नबवी के बड़े पुर रौनक और ख़ूबसूरत मनाजिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि मैं तो इधर पाकिस्तान में ही हूँ, मैं उधर नहीं गया हुआ, लेकिन ये जो वीडियो है ये मेरे एक दोस्त हैं फियाज़ भाई, वो मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड किया है और उन्हें एज़ ए गिफ्ट मुझे सेंड किया है कि ये आप अपने चैनल पर ना लगा दो। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया फियाज़ भाई का कि उन्होंने ये इतने ख़ूबसूरत मनाजिर जो है कैप्चर किए हैं और मुझे सेंड किए हैं और ये मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही पुरौनक माहौल है। देखें, नमाजी हजरात नमाज के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी नमाज अदा कर रहे हैं, नवाफिल वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ हैं। तो बड़े ही खुशकिस्मत लोग हैं लोग जो मदीना मुनव्वरा की हाज़री के लिए गए हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी रोज़े रसूल की और अपने प्यारे घर बैतुल्ला की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर उस मुसलमान को अपने दर पर बुलाए, अपने हुजूर के दर पर बुलाए, जिसने अभी तक ये दोनों मुकद्दस जगहें नहीं देखी हुई। माशाल्लाह बहुत ही ख़ूबसूरत जगह है, यहाँ पे क्या मनाजिर होते होंगे और क्या रूह की कैफियत होती होगी जब बंदा जाता होगा इस पार्क बारगाह में। माशाल्लाह देखें, बुज़ुर्ग जो हैं कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं व्हील चेयर पर बैठ कर, लोग दुआओं में मसरूफ़ हैं, कुछ लोग जो है वो नवाफिल की अदायगी में मसरूफ़ हैं, बहुत रूह पर मनाजिर हैं। और फियाज़ पाकिस्तानी भाई, उनका भी चैनल है, उनके बल्कि उनके चैनल का नाम ही फियाज़ पाकिस्तानी व्लॉग्स है, और वो इधर पाकिस्तान से हैं, अलीपुर वाली साइड से, लेकिन वो चंद सालों से सऊदी अरब में हैं और मदीना मुनव्वरा में ख़ास तौर पर वो अक्सर नमाज़ें जो है मस्जिद नबवी में ही अदा करते हैं। बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है मैं कहता हूँ जो वहाँ पे गए हुए हैं, चाहे मुलाजमत के सिलसिले में ही गए हुए हैं, उनको रोज़ा रसूल मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब होती है। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, वाबस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से, सरकार के कदमों से हर चीज़ ज़माने की कदमों में पड़ी होगी। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके